मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म से कोई अपराधी पैदा नहीं होता। कुछ हालात, हीन मनोग्रंथियां, नकारात्मक सोच या बुरी संगति किसी को भी अपराध की राह पर ले जा सकती है। आज की रहस्यमय वारदात ने एक सीधे साधे परिवार के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। नारायण जी, सुहानी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। बहन जी, उस दिन जब आप देखने आए थे तब भी नहीं थी वो। उसे इस सगाई से दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत खुश है। वो सब तो ठीक है, पर सुहानी बिटिया है कहाँ? अब तो सारे रिश्तेदार भी बात करने लग गए। वो अपनी सहेली के साथ किसी काम से मनाली गई है, शहर के बाहर, वो भी अकेले। वाह, लगता है आपकी बेटी ने आप दोनों को भी मॉडर्न बना दिया। बड़ी दबंग है आपकी बेटी। दबंग नहीं, आत्मनिर्भर है हमारी सुहानी। पढ़ी लिखी है, दुनिया को समझती है। हमारी बेटी पर हमें पूरा विश्वास है, इसलिए तो हमने उसे अकेला भेजा है। अरे ऐसा भी क्या जरूरी काम था कि मनाली से श्यामली अपने भाई की सगाई पर ना आ सकी? अरे ये लो, उसका फोन आ गया। ऑनलाइन का जमाना है, आ नहीं सकती तो क्या? ऑनलाइन भाई की सगाई में शामिल तो हो सकती है हमारी सुहानी। सुहानी कैसी है तू, आई क्यों नहीं बेटा? आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और आई एम वेरी सॉरी राघव भैया, आई एम वेरी सॉरी रंजना भाभी कि मैं आपकी सगाई पे नहीं पहुंच पाई थी टाइम पे। लेकिन आपको पता है कि मैं आपकी शादी में सबसे पहले आके डांस करने वाली हूँ, और साथ ही साथ मैं वापस आ रही हूँ, और जल्दी से हम शादी की सारी शॉपिंग और सारी तैयारियाँ साथ में करेंगे। मामा, आपको पता है कि मनाली बहुत ज्यादा सुंदर जगह है, मेरा तो यहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा। अगर राघव भैया की शादी नहीं होती ना, तो मैं तो यहाँ से कभी वापस नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, अभी तो मैं वापस आ रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द आप सबको यहाँ लेकर आऊंगी अपने साथ। बाय मामा, आई लव यू ऑल, सी यू वेरी सून। सीधे क्यों नहीं फेंकते हो? जी वहाँ कुछ गड़ा हुआ है, वहाँ पे। इधर आइए दादाजी, इधर आइए दादाजी, दादाजी वहाँ देखिए। मम्मी, पुलिस को फोन करो। लोग का कहना है कि जब बिल्लू ने सीमेंट के प्लेटफॉर्म में गड़ी हुई सुहानी की लाश देखी, तब वो आप लोगों से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। और जब से ये प्लेटफॉर्म का काम खत्म हुआ है, तब से इधर कोई झांकने भी नहीं आया है, कोई वर्कर भी नहीं। हम सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, अभी एक मिनट पहले तो हमारी बेटी से वीडियो कॉलिंग में बात हुई, वो पिछले 10 दिन से मनाली में है, ये सब कैसे हुआ पता ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप चाहें तो चतुर्वेदी भाई साहब से पूछ सकते हैं, वो और उनकी पत्नी हमारे साथ ही थे। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब,
सुहानी का फोन हमारे सामने ही आया था। अरे ये लो उसका फोन आ गया। मामा आपको पता है कि मनाली बहुत ज्यादा सुंदर जगह है। भैया इनका तो पूरा परिवार ही ऐसा है, इन्होंने ही सुहानी को मारा होगा और अब ये झूठ मूठ का वीडियो कॉल का बहाना। अरे सुहानी को पसंद ही कहाँ करते थे, आए दिन तो उसे पीटते रहते थे। सर मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की है और सबका कहना यही है कि उन्होंने सुहानी को 10 अप्रैल को ही आखिरी बार देखा था। वो शामली से मनाली गई थी और तब से वापस नहीं आई है। और रही बात इस परिवार की, तो सबका मानना यही है कि सुहानी का कत्ल कर सकते हैं। सर ये देखिए। आपके घर के आंगन में आपकी बेटी की लाश मिली है, इसे क्या समझे हम? ये सब पता लगाना आपका काम है कि वो यहाँ कैसे आई। हम लोग तो पहले ही बोल रहे हैं कि सुहानी मनाली में थी और हम सबकी उससे बात भी हुई है। वो 10 दिन पहले हमारे सामने गई थी, रोजाना फोटोज भेजती थी बहुत सारे, पर अचानक पीछे आंगन में पता नहीं वो कब और कहां से आ गई, पता ही नहीं। ताई जी प्लीज धीरे बोलिए, मम्मी सो रही है, वैसे गहरे सदमे में, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। आपके ही घर से सुहानी की लाश बरामद हुई है और पूरे परिवार को कुछ पता ही नहीं है। सर आप इन सब पर बेकार में शक कर रहे हैं, सुहानी सही में यहाँ से 10 दिन पहले ही गई है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो अभी भी शक है कि वो सुहानी नहीं है। हम सब ने उससे बात की थी, आप अच्छे से जांच कीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। आंटी तुम सही कह रही हैं इंस्पेक्टर, 10 अप्रैल को सुहानी अपने दोस्त आशा के साथ मनाली के लिए निकली थी किसी मैराथन ट्रिप पर, और मनाली के अलावा वो कुछ और जगह भी जाना चाहती थी और पूरे टाइम वो टच में थी। ये देखिए सारी फोटोज। यकीन मानिए सर, आपकी तरह हम सब भी शॉक्ड है कि आखिर ये हो कैसे गया। शायद ये सुहानी है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि आप में से कोई भी शक के दायरे से बाहर है। अब हम भी जा रहे हैं। नमस्ते राघव, अपना और सबका ख्याल रखना। किसने किया है ये, बताना तो चाहिए था। क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? ये चाहिए बताइए कि आपने मारा कैसे और ये सारा ड्रामा रचा कैसे, बताइए। कई वारदातों में तो ऐसा होता है कि पुलिस मौका वारदात की पहेली में उलझ कर रह जाती है और चालाक अपराधी सबको चकमा देने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार गुत्थी सुलझती जरूर है और अपराधी पकड़ा जाता जरूर है। पुलिस या परिवार दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हत्या हुई तो हुई कैसे। सुरुशीना सर, डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है वो लाश सुहानी वाजपेयी की ही है।
ये रही रिपोर्ट। क्या लिखा है रिपोर्ट में? सर, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के थ्रू ये पता चला है कि सुहानी का कत्ल 10-12 दिन पहले ही हो चुका है। उसकी नाक और गर्दन पर फ्रैक्चर थे। ये देखिए। ये कैसे हो सकता है? जो लड़की 10 दिन से किसी आशा के साथ हिमाचल में घूम रही हो, अपनी फैमिलीज को फोटोग्राफ भेज रही हो, अपने भाई की शादी पर कॉल कर रही हो, वो यहाँ कैसे मरी हुई मिल सकती? आशा का क्या रहा? रिशीना, रिशीना। सॉरी सर। क्या हो गया तुमको? आशा का क्या रहा? सर, मैंने आशा को फोन कर दिया है, वो बस आ रही होगी। ये छुट्टी का मामला बड़ा अजीब है। जो लड़की 10 दिन पहले मर चुकी है, वो कैसे किसी के साथ घूम सकती है? पता नहीं क्यों, लेकिन इस परिवार पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक बार ये पता चल जाए कि ये कैसे हुआ, तो हमारा मुजरिम हमारे सामने होगा। सुहानी से सबसे ज्यादा आप ही चढ़ते थे भाई साहब। उसके विचारों से और उसकी जीवन शैली से आप सहमत नहीं थे। तो तुम कौन सा उसे सर पर बिठा कर रखते थे प्रमोद? तुम भी तो नफरत करते थे उससे, आए दिन सपना को मारते हो। अरे एक वही तो थी तो तुम दोनों के बीच में आती थी। लेकिन जान से मारने की धमकी आपकी पत्नी, ये हमारी भाभी, इन्होंने दी थी। हमेशा मारती रहती थी उसको, कभी उसके कपड़ों को लेकर, कभी पंचायत के फैसलों के खिलाफ उसके मोर्चे पर, कभी लड़कों के साथ घूमने पर। क्या पता कभी किसी दिन गुस्से में आकर ज्यादा तेज मार दिया हो। चुप हो जाइए आप लोग। अरे थोड़ी तो शर्म करो। अरे आपकी बेटी और हमारी बहन की मौत हुई है, मौत, और उसका दुख मनाने की जगह आप लोग ये तय कर रहे हैं कि उसको मारा किसने। मैं बताता हूं, आप में से किसी ने नहीं, क्योंकि ना तो आपके पास इतना दिमाग है ना इतनी चतुराई कि ये सब कर सके। ऐसा नहीं है शिशिर, इन लोगों के दिखावटे गुस्से पे मत जाना। अंदर से भेड़िए जानवर हैं ये लोग। ये तेरे ताऊ जी, मेरे जेठ नारायण वाजपेयी, पैर तोड़ दिए थे उसके इन्होंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इनकी मर्जी के खिलाफ अपनी सहेली के घर चली गई थी। और ये तेरी ताई जी, इन्होंने उसके बॉयफ्रेंड अमर के चक्कर में इतना मारा उसको, सर फूट गया था उसका। चार दिन तक बिना खाने और पानी के बंद रखा था इन्होंने उसे कमरे में। तेरे पापा, उनका गुस्सा तुझे पता है ना, गला दबा दिया था उसका गुस्से में, क्योंकि वो मुझे इनकी मार से बचाती थी। ऐसे दरिंदे हैं ये सब। और इसलिए मुझे यकीन है कि खानदान की झूठी इज्जत बचाने के लिए इनमें से ही किसी ने हमारी सुहानी को मारा है। अब की बार मम्मी को हाथ लगाया ना, मैं भूल जाऊंगा क्या आप मेरे पापा हैं। अभी ऐसे मत घूरिए पापा। सर, वो फोटोज और वीडियोस नकली नहीं है, लेकिन कब लिए गए हैं ये बताना मुश्किल है, क्योंकि इन पर टाइम स्टैम्प नहीं है। सर, मैं आशा। अभी ठीक है वो? आशा, तुम ठीक हो? हमसे बात कर सकती हो? आराम से। तो बताओ आशा, जब तुम और सुहानी पिछले 10 दिन से छुट्टी पर थे, तो सुहानी की 10 दिन पुरानी लाश यहाँ पर कैसे मिली? तो इंसान एक ही समय में जिंदा और मुर्दा कैसे हो सकता है? सर, ये सच है कि मैं और सुहानी 10 अप्रैल को मनाली गए थे, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने सुहानी को कभी नहीं देखा। उसने किसी से भी
कुछ भी कहने के लिए मना किया था। उस दिन के बाद से नहीं देखा मतलब? और कहाँ गई वो? और क्या बताने को मना किया था उसने? दरअसल मनाली जाने का प्लान सुहानी का ही था। वो यहाँ शामली से निकलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना चाहती थी, पर उसके परिवार वालों को रिश्ता मंजूर नहीं था। बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? कोई मानिक भारद्वाज है, मथुरा से। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब सुहानी मनाली गई तो वो उसके पास ही चली गई और मैं वहीं रह गई, क्योंकि अगर मैं यहाँ आती तो सब सुहानी के बारे में पूछ पूछ के मेरी जान ले लेते। आशा, मुझे ये फोटोज देखकर बताओ, ये सुहानी की हैं या नकली हैं? नहीं, ये सुहानी की ही फोटोज हैं। लेकिन इसमें मानिक क्यों नहीं है? मतलब सुहानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए शामली से मनाली जाती है, लेकिन वहाँ से किसी माणिक के साथ भाग जाती है, लेकिन अपने परिवार से लगातार संपर्क में रहती है। फोन, मैसेजेस, वीडियोस, फोटोग्राफ्स लगातार भेजती रही, पर कैसे? क्योंकि वो तो 10 दिन पहले मर चुकी है। इशिना, इतना पेचीदा केस मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। मुझे तो डर है कहीं ये केस अनसॉल्व केस की फाइलों में दफन ना हो जाए। फिलहाल तो मुझे भूत प्रेत के अलावा कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। रुशीना, इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सर, मैं अब इस केस में और काम नहीं कर पाऊंगी। क्यों? सर, आज से कुछ साल पहले ऐसा ही केस मेरे पास आया था। लड़के ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मारकर उसके घर में दफना दिया और मेरी लापरवाही की वजह से वो बच गया। इस केस को देखकर मुझे अपनी नाकामयाबी याद आती है। तो इस केस को अपनी कामयाबी बनाओ, सुहानी के कातिल को ढूंढो, तो पुराना गिल्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। ओके? और हाँ, इस आशा पर नजर रखो, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये भी बाकी सब की तरह कुछ छुपा रही है। ओके? यस सर। नमस्ते हरी भाई। नमस्ते भैया। शिशिर। नमस्ते। शिशिर, मैंने सोच लिया है कि मैं अब चुप नहीं रहूंगी। ये सुहानी मेरे लिए बहुत लड़ी है और अब मेरी बारी है। मैं उसके कातिल को सजा दिला के रहूंगी। आप क्या कह रही हो मम्मी? अगर नारायण ताऊजी को पता चल गया ना तो आपकी जान ले लेंगे। और वैसे भी आपको क्या लगता है, ये सब हमारे घर में से किसी ने किया है? हाँ शिशिर, मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं में से किसी का ये काम है। आपको क्या लगता है मम्मी, सुहानी की मौत कुछ अजीब गरीब तरीके से नहीं हुई? एक ही समय पर जिंदा और एक ही समय पर मुर्दा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे चालक हमारे घर में से किसी के पास थे। मम्मी चलो ना बाहर चलते हैं। मम्मी जो हुआ प्लीज भूल जाओ ना, वैसे भी मैं सुहानी को खो चुका हूँ, आपको नहीं खोना चाहता। अगर मैं थोड़ा पढ़ लिख लेता ना दूर ले जाता, मगर आपको यहीं रहना पड़ेगा। मम्मी देखो, नदी में रह के मगर से बैर मत करो। मैं तेरा डर समझती हूँ शिशिर, पर अगर मैं अब चुप रही तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे सुहानी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पता लगाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं पुलिस की मदद तो ज़रूर करूँगी। शिशिर सपना जी। नमस्ते भाई साहब। सुहानी के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा, मगर एक बुरा ना माने तो बात कहना चाहेंगे, ये सारा करारा जो है ना वो अमर का है। सुहानी भी बहुत घूमती थी उसके साथ। नहीं चेतन जी, अमर तो सुहानी को बहुत प्यार करता था, अमर ये सब नहीं कर सकता। नहीं शिशिर, इनकी बात पूरी गलत नहीं है। सोचने की बात है कि जिस दिन से सुहानी मनाली के लिए निकली उसी दिन से अमर गायब है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से वो वीडियोस और फोटोज फेक नहीं है, पर उन पर टाइम स्टैम्प नहीं है, इसलिए पता नहीं लग पा रहा है कि कब ली गई थी। ये सारे फोटोज सुहानी के फोन से ही लिए गए? यस सर, उसका फोन पूरा टाइम एक्टिव था और अभी भी एक्टिव है, पर पता नहीं क्यों वो ट्रेस नहीं हो पा रहा है। सारे कॉल्स भी उसी के फोन से आए थे,
वो लास्ट वाला वीडियो कॉल भी जिस दिन बॉडी मिली थी। ये केस सिर्फ टेक्नोलॉजी से हल होने वाला नहीं है, इसके लिए अकल भी लगानी पड़ेगी। सर, सबको सुहानी की फैमिली पर शक है और उसकी लाश भी उसी के घर पर मिली है, तो हम लोग उन्हीं को अरेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा दबाव बनाएंगे तो अपने आप ही सच बोल देंगे। बिना सबूत के हम उन पर कैसे हाथ डाल सकते हैं? दसियों विटनेस है जिन्होंने सुहानी को उनसे वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखा है, उसके हिमाचल में होने के भी सबूत है, यहाँ तक कि उसके मरने के भी। जब तक हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि ये क्राइम कैसे हुआ है, हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। क्या हुआ? सर, मेरे खबरी का कॉल था, एक बहुत अजीब सी बात बताई उसने। क्या? सर, उसका कहना ये है कि आशा पिछले 3 महीनों से कॉलेज ही नहीं गई, उसका मानिक से और सुहानी से कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ, और वो सुहानी के साथ मनाली चली गई, और 10 दिन बाद वापस आकर हमसे ये बता रही है कि वो मनाली इसीलिए गई क्योंकि सुहानी को अपने बॉयफ्रेंड मानिक के साथ भागना था। वो यहाँ शामली से निकलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना चाहती थी। देखा, मैंने कहा था ना कि साशा की कहानी में जरूर कुछ गड़बड़। एक काम करो, तुम इसके पिछले 6 महीने के क्वालिटी टेस्ट निकालो, कि किसके साथ थी, कहाँ थी, किस किस से बात कर रही थी, सब कुछ हो ना हो सुहानी के साथ जो कुछ हुआ है उसका कनेक्शन आशा के साथ जरूर है। इंस्पेक्टर साहब। सपना जी, आप क्या हुआ, सब ठीक? मुझे आपको कुछ बताना है। बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि सुहानी को मेरे परिवार ने ही मारा है। सर, उस वीडियो कॉल से हैरान मैं भी हूँ, पर फिर भी मुझे यकीन है कि सुहानी का कत्ल मेरे परिवार में से ही किसी ने किया है। सुहानी अपने कॉलेज के दोस्त अमर से बहुत प्यार करती थी, पर नारायण भाई साहब इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। मगर मानो सुहानी ने भी कसम खा रखी थी कि शादी करेगी तो सिर्फ अमर से, और इसी कारण वो घर में सबसे मार भी खा चुकी थी। तो हो सकता है इसी गुस्से में उन्होंने उसे मार के गाड़ दिया हो। सपना जी, अगर सुहानी अमर से प्यार करती थी तो वो मानिक के साथ भागने के लिए मनाली क्यों गई? मानिक? कौन मानिक? सुहानी किसी मानिक को नहीं जानती थी, तो फिर वो उसके साथ मनाली क्यों जाएगी? ऋषिना, अमर और मानिक की तलाश करो, अब यही हमें इस केस की सच्चाई बताएंगे। यस सर। पता नहीं कहां मर गए, रोज का ये स्यापा। कहां गई थी तुम? यही तक। मुंह में जुबान नहीं है, हैं? बकरी की तरह मिमिया कर रही हो। पापा, मम्मी मुझे दुकान पर टिफिन देने गई थी, आज कैफे में क्लास थी तो आने में देर हो गई। नालायक माँ का नालायक बेटा, छाती पर बोझ बने बैठे हैं दोनों। थक गया हूं मैं रोज रोज के ड्रामे से, ना जाने कब खत्म होंगे। में कोई सिमिलैरिटी और कोई पैटर्न नहीं है। गौर से देखने से पता लगता है कि एक फोटो इटावा की है, तो कोई लखनऊ की, तो कोई झांसी की। अगर सुहानी मानिक के साथ मनाली भागने के लिए गई थी तो वो इतनी सारी जगहों पर क्यों घूमी, वो भी आसपास की नहीं, दूर दूर जगहों पर। और आप ध्यान से देखिए, एक फोटो में इसकी गर्दन पर निशान है तो दूसरी में गायब। सर, ये फोटोज किसी एक ट्रिप की तो नहीं लग रही। सही कह रही हो, अगर वो किसी मकसद से मनाली गई थी तो इतनी सारी जगह क्यों गई वो? ये फोटोज फेक तो नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हेलो क्या Thank you.
सर, ये अमर की लाश है। सर, जब ये लोग भट्टी चालू करने आए थे तो लाश इसके ऊपर पड़ी हुई मिली और ये पर्स भी उधर मिला है। कातिल ने बॉडी को भट्टी में इसलिए डाला होगा कि वो गल जाए, लेकिन किस्मत से कोलू बंद था इसलिए हमें लाश मिल गई। सर, इसके वॉलेट में 10 अप्रैल की बस की टिकट मिली है, उसी दिन जिस दिन सुहानी मनाली गई थी। सुहानी के कत्ल से पहले या उसके बाद? कहीं सपना जी सच तो नहीं कह रही है? कहीं ये ऑनर किलिंग का मामला तो नहीं है? दीदी वो मैं दीदी दीदी छोड़, खबरदार जो इस कमरे में किसी के भी सामान को तूने कुछ भी हाथ लगाया तो निकल यहाँ से, चाह ना निकल यहाँ से, बोला ना। क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? अरे देखो ना इसको, सुहानी के कमरे में पता नहीं क्या क्या ढूंढ रही है ये। क्यों भाई, क्या चल रहा है ये है? और हाँ एक बात और, ये जो तुम सुहानी के खून का इल्जाम हम पर लगा रही हो ना जगह जगह जाकर, उसे बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे पुलिस, ये यहाँ पे क्या करने आई है? क्या हुआ? हमें अमर की लाश मिली है और उसका कत्ल भी उस दिन हुआ है जिस दिन सुहानी का हुआ था। हाँ तो आपको क्या लग रहा है, अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए हमने दोनों का खून कर दिया? आपकी ये गलतफहमी अभी हम दूर किए देते हैं। पहली बात तो सुहानी यहाँ शामली में थी नहीं, और दूसरी बात हमारे पास उसके फ़ोन करने के और फोटो भेजने के सबूत हैं। दसों रिश्तेदार थे उस दिन यहाँ पर, आप इस तरह हमें झूठे इल्जाम में अंदर नहीं कर सकते। पापा शांत हो जाइए। बेटा समझदार है आपका, अपना गुस्सा संभाल कर रखिए वाजपेयी जी, क्योंकि मैं जानता हूँ ये दोनों खून आप लोगों ने ही किए हैं, और कैसे ये मैं साबित करके रहूंगा। इन वाजपेयियों को इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगा मैं, एक टेक्निकल रिकॉर्ड और एक फोन कॉल के बेस पर आजाद नहीं होने दूंगा। इनके झूठ को साबित तो करके रहूंगा, पर कैसे? सर, वो वीडियो कॉल झूठा नहीं था। और सर आप सोच के देखिए, अगर वाजपेयी फैमिली ने ही सुहानी का कत्ल किया है तो राघव के मंगेतर और उसके ससुराल वालों के सामने सुहानी वीडियो कॉल कैसे करती? ये लोग इसका जिक्र ही क्यों करते? मुझे तो लगता है कि हम इन लोगों पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। सर ये फोटोज देखिए, मेरे खबरी ने भेजी है। आशा पिछले 4 महीनों से इस हॉस्पिटल में जा रही है और इस कैफे में भी जाती है, लेकिन सिस्टम यूज नहीं करती। पिछले 4 महीने से आशा हॉस्पिटल में क्यों जा रही है, और अगर सिस्टम यूज नहीं कर रही है तो कैफे में उसका क्या काम? सर मैं पता करती हूँ। ठीक है। इस वजह से इस कैफे का ऑनर चेतन आशा को अक्सर कॉल करता था। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि सुहानी और अमर के साथ जो हुआ है उसमें वाजपेयी परिवार का ही हाथ हो। यस सर। ठीक है, मैं हॉस्पिटल पूछताछ करके आता हूँ, तो मेरी कॉल का वेट करो। यस सर। पानी दे दो। हाँ
अब समझ आया, ये फोटोज फेक नहीं है बल्कि पुरानी है, जिन्हें आज का दिखाने की कोशिश की गई है। मतलब 10 अप्रैल के बाद सुहानी इन जगहों पर नहीं गई बल्कि पहले गई थी। मैडम जी, कौन? सपना जी, आप यहाँ? जी, आइए, अंदर आइए। मैडम जी, मुझे आपको एक बहुत जरूरी चीज दिखानी। मुझे लगता है सुहानी ने 14 अप्रैल को जो हमें वीडियो कॉल किया है वो उस दिन का नहीं है। देखिए, वीडियो कॉल में उसने ये पेंडेंट पहना है, मगर ये पेंडेंट तो फरवरी में ही टूट गया था और उसने इसके बाद इसे कभी नहीं बनवाया। ये मुझे अपने घर में मिला है, तो आप ही सोचिए इसे पहनकर वो मनाली से फोन कैसे कर सकती है। मगर वो दोबारा भी तो खरीद सकती है ना? नहीं मैडम जी, देखिए ये पेंडेंट मैंने खुद उसके लिए बनवाया था और इसके अंदर मैंने उसका नाम लिखवाया है। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप इस लड़की को जानती हैं? जी सर, ये तो डॉक्टर जूही की पेशेंट है। सर वो जा रही है डॉक्टर जूही। डॉक्टर जूही, डॉक्टर जूही, ये आप इस लड़के को जानती हैं? नहीं सर। झूठ मत बोलिए, वरना डबल मर्डर केस में आपको अंदर कर दूंगा। बताइए, जानती हैं या नहीं? आइए मेरे साथ। सर मैं उसे जानती हूँ, वो मेरी पेशेंट है आशा। डॉक्टर, किस लिए आती थी वो आपके पास? दरअसल 4 महीने पहले उसका रेप हुआ था, सुहानी उसे लेकर आई थी मेरे पास। सुहानी अंदर आओ। तुम्हारा शक सही था सुहानी, उसका रेप हुआ है। अपनी जान नहीं देती, जान वो देते हैं जिन्होंने गलत किया है। कुछ नहीं होगा तुझे। सुहानी ने बहुत कोशिश की पर आशा ने उस आदमी का नाम नहीं बताया। डॉक्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि सुहानी और अमर के मर्डर केस का कनेक्शन आशा के रेप के साथ हो? ये दोनों उस रेपिस्ट का नाम जान गए हो? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती इंस्पेक्टर। ओके, थैंक यू। कहीं चेतन के फोन इसीलिए तो नहीं आते थे आशा के पास? सर, एक और क्लू मिला है। सपना जी के मुताबिक जो पेंडेंट हमें मिला था वो फरवरी में ही टूट गया था। वीडियो कॉल में उसने ये पेंडेंट पहना है, मगर ये पेंडेंट तो फरवरी में ही टूट गया था। इसे पहनकर वो मनाली से फोन कैसे कर सकती है? इसका मतलब ये ऑनर किलिंग का केस नहीं है, ये तो एक डरे हुए सहमे हुए अपराधी का काम है जो अब अपने आप को छुपाने के लिए लोगों का मुंह बंद कर रहा है। तो सर हम सीधे सीधे आशा से क्यों नहीं पूछते? इतनी आसानी से नहीं बोलेगी वो। चेतन को उठाओ, सब उगल देगी। ठीक है, इसका मतलब मुझे सच पता चल जाएगा। वो
है ना, तुम्हारे घर का सबसे मासूम चेहरा, सुहानी का सबसे चहेता भाई, उसका कातिल यही है सुहानी का मुजरिम। अरे तेरा प्यार एक धोखा था, ढोंग था, बोल क्यों किया तूने ऐसा? अरे उसका भाई नहीं, उसका कातिल है उसका। तुझे दरिंदे की माँ कहलाने से अच्छा होता कि मैं बेऔलाद मर जाती रे। अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है शिशिर, बताओ तुमने क्यों किया और कैसे किया? मुझसे एक गलती हो गई थी, उस गलती की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकता था। शिशिर, तू इतना कैसे कर सकता है? अरे अपनी बहन को मार दिया तूने। अब असलियत तू हमें बताएगा। ताई जी माफ कर दो मुझे। ताई जी आशा को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो मुझे कभी भी पसंद नहीं करती थी। कभी कभी तो बदतमीजी से बात करती थी वो। सर अच्छा चलो ना गाड़ी में चलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अरे चलो ना गाड़ी में। भाई आप चलो, आगे चलो। मुझे लगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो मुझे अपने लायक ही नहीं समझती। इस बात के मेरे अंदर गुस्सा बढ़ता गया और एक दिन आशा, तुम? हाँ मैं। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे यहाँ परेशान मत किया करो, तुम जाओ यहाँ से। आशा तेरी बात देखो तो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। आशा आशा छोड़ो शिशिर। आशा मेरी बात सुन, तुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अभी जा रही हूँ हमारे लिए बस की टिकट करवाने, और जल्दी से जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे। तब तक यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, समझी? मैं अभी आ रही हूँ। मैं नहीं चाहता था कि सुहानी आशा से मिले, मुझे मालूम था कभी ना कभी वो मिलेगी ज़रूर। और जिस दिन सुहानी और आशा बाहर जाने वाले थे और मैं आशा से मिला, मैंने कहा था ना आशा सुहानी से दूर रहो, तो मैं समझ में नहीं आती बात। अगर सुहानी को पता चला ना कि मैंने तुम्हारा रेप किया है तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, समझी? शिशिर नहीं, ये सही नहीं है। नहीं, मैंने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी शिशिर। मैं कुछ नहीं किया सुहानी। सुहानी को मारने के बाद उसकी लाश फेंकने जा रहा था तभी। शिशिर क्या हुआ सुहानी को? अरे बेहोश हो गई है, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। इससे पहले अमर कुछ कहता मैं वहां से सुहानी को लेकर निकल गया। घर आकर देखा तो सब राघव भैया के ससुराल गए हुए थे। अच्छा मौका था, मैंने सोचा कि सुहानी को पीछे आंगन में गाड़ जाता हूँ। सर तभी अमर का फोन आया, सुहानी के हाल चाल पूछ रहा था। मुझे पता था कभी ना कभी उसे पता चल जाता, इसलिए मजबूरन उसको यहाँ पे क्यों आए हम? जहाँ सुहानी गई थी वहां तुझे भी जाना। ये फोटोज और वीडियो का नाटक क्या था सर? बताओ। पढ़ा लिखा नहीं था सर, इसलिए सीखने की बहुत जल्दी थी। चेतन के कैफे में एक कस्टमर आता था धीरज, कंप्यूटर में बहुत माहिर था सर। फोटो वीडियोस तो ऐसे बना देता था सर कि पता ही नहीं चलता था कि कहाँ लिया और
कब लिया है? मुझे घर पर सबको जताना था कि सुहानी जिंदा है, वो अपनी मर्जी से जी रही है, वरना सबको शक हो जाता, फिर वो उसको ढूंढने लगते। किरण की मदद से पुराने ट्रिप की फोटो का इस्तेमाल किया और उसकी आवाज से घर पर फोन करवाया सर। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और वो वीडियो कॉल सर फरवरी में शूट कर लिया था सर। वो राघव भैया की सगाई से पहले अमर के साथ भागना चाहती थी। सुहानी ने कहा था मैं उसका बधाई का वीडियो शूट कर लूं, क्योंकि अगर वो चली गई तो वापस नहीं आ पाएगी। ओके मामा, आई लव यू एंड सी यू वेरी सून। बाय एवरीवन, और जल्दी मिलते हैं। बाय। ये हो गया वीडियो रिकॉर्ड, अब इसको सगाई वाले दिन प्लीज याद से सुना देना। हाँ, मत भूलना। पक्का पक्का बहना, पक्का। थैंक यू। मजाक में शूट किया था वो वीडियो, लेकिन राघव भैया की सगाई वाले दिन उस वीडियो को इस्तेमाल करने से खुद से रोक नहीं पाया सर। मैंने डर और गुस्से में सुहानी को मार दिया सर। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसी हाथों से सुहानी को मार दूंगा सर। मेरे को मम्मी को बहुत प्यार करती थी सर, लेकिन मैंने उसे मार दिया सर। अपने डर की वजह से तुमने उस बेचारी की जान ले ली, और लेकिन तुम्हारे प्यार ने तुम्हें बेनकाब कर दिया। याद रखिए, बाहर के अपराधियों से सचेत रहना तो जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने मनोभावों, अपने आवेशों के प्रति भी चौकन्ने रहें, कि कहीं कोई क्रोध हमारे भीतर सोते हुए ज्वालामुखी की तरह पल तो नहीं रहा, पनप तो नहीं रहा, जो एक मौका पाकर अचानक फट पड़ेगा। अच्छा, मैं रवि किशन अब इजाजत लेता हूं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, मौकाए वारदात। तब तक के लिए शिवरात्रि जय।